तो आज के एपिसोड के अंदर बहुत कुछ उतना हुआ नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ आज के एपिसोड के अंदर नॉमिनेशन का टास्क हो चुका है और उसमें कुछ अलग तरीके से नॉमिनेशन का टास्क दिया गया था। बिग बॉस ने इन लोगों को सबको चिट्ठियाँ लिखनी थी। अभी ये सब कुछ किसने किसको कितनी चिट्ठियाँ लिखी, ये सारी बातें हम आज के एपिसोड में देख चुके हैं। फिर शिवानी फिर से उसको चक्कर आके वो गिर पड़ी, क्या वो ड्रामा था, रियल था, ये सारी बातें आज के एपिसोड में हो चुकी है। तो हम देखते हैं वेकअप सॉन्ग होने के बाद सुबह सुबह कटारिया सना सुल्तान के बारे में पीछे से बहुत कुछ बातें बोल देता है। सुबह से वो कल के एपिसोड के पूरे एपिसोड के अंदर वो सना सुल्तान के बारे में बहुत सारी बातें बोलता है कि वो फेक लगती है, ये सारी बातें। विशाल शिवानी ये तीनों मिलके सना सुल्तान की चुगलियाँ पीठ पीछे करते। फिर हमने शिवानी और रणवीर की बहस देखी। रणवीर चुपचाप अपना जो भी एक्सरसाइज होता है वो कर रहा था कमरे में बैठ के, लेकिन शिवानी उसको जाके मतलब उसको पोक करने की कोशिश करती है। उसको झगड़ा, शायद उसको झगड़ा करना था, उसका झगड़ा करने का मूड था। वो जाके वो रणवीर आराम से उसको बता रहा है कि मेरी चीज़ों को छेड़ मत, उसको हाथ मत लगा, लेकिन नहीं, जाके बार बार उसकी चीज़ों को देखना, उसको छूना, वो जो मना कर रहा था वही वो बातें बार बार कर रही थी जबरदस्ती। वो बात वो उसको इतका इतने अच्छे से बता रहा था कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगा, जबरदस्ती का छेड़ मत, लेकिन वो सुना ही नहीं। उसकी चीज़ें छेड़ रही है, उसको हाथ लगा के क्या क्या कर रही है। फिर उसके बाद हमने चंद्रिका शिवानी और सना की बातें देखी, जो वो लॉयल्टी के ऊपर चर्चा कर रही थी। तो इन तीनों का ग्रुप उतना पक्का है नहीं, लेकिन देखते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा, क्या होगा। तो उन तीनों का हमने सुना जो लॉयल्टी के ऊपर चर्चा कर रही थी तीनों। तो उसके बाद साई सना सुल्तान से बोलता है कि विशाल उसको कह रहा था कि उसके कल जो उसने उसको संभाला ना, उसके लिए वो थैंक्स का बोलने आया था, तो वो सना सुल्तान को बता रहा था। तो ये सारी बातें हम ताकि चंद्रिका जाके शिवानी से पूछती है कि तुम विशाल के साथ बैठते हो, कैसे बैठते हो। मतलब चंद्रिका भी इससे बात कर रहे हैं ना कि वो तू क्या उसकी मम्मी है क्या, उसको बोल बोल रही है कि उसके साथ क्यों बैठती है, तुझे क्या कुछ ऐसा नहीं लगता क्या। अरे इंसान से शिवानी ने उसको बहुत अच्छे से जवाब दिया कि इंसान से एक बार गलती हो गई तो क्या पूरा लाइफ टाइम हम उस गलती को लेके बैठेंगे। ऐसा उसने अच्छे से जवाब दिया चंद्रिका को और बिल्कुल सही किया। यहाँ पे शिवानी बिल्कुल राइट राइट थी। क्या एक इंसान से अगर एक बार गलती हो गई तो क्या हम क्या पूरा टाइम उसको ही उस गलती को लेके बैठ नहीं सकते ना। तो फिर बिग बॉस का मैसेज आता है सबको और फिर उसके बाद नॉमिनेशन के टास्क के पे हम सीधे आते। फिर वहाँ पे ना थोड़ी सी मस्ती कर सब लोग कर रहे थे। तो नॉमिनेशन टास्क में आते, जो नॉमिनेशन टास्क था जिसको डायरेक्टली हम नॉमिनेशन करते थे दो कंटेस्टेंट को घर से बेघर होने के लिए, लेकिन इस आज के टास्क में किसी को बाहर जाने के लिए नॉमिनेट नहीं करना था। किसी को जो आप दो लोगों को ऐसे चुनना होगा जो आप उनको अपने साथ देखना चाहते हैं इस घर में, तो ये अच्छा था। तो सब लोगों को दो दो को चिट्ठियाँ लिखनी थी, तो सबको चिट्ठियाँ लिखने को बोल दिया। और सबसे पहले विशाल ने चिट्ठी लिखी थी, जो लव कटारिया को विशाल ने चिट्ठी लिखी थी और विशाल को लव कटारिया ने चिट्ठी लिखी थी। इन दोनों का यही खत्म हो जाता है क्योंकि इनको एक ही चिट्ठी आई थी जो एक दूसरे को इन्होंने लिखी थी। उसके बाद शिवानी को भी एक ही चिट्ठी आती है जो कि लवकेश कटारिया उसको लिखता है। तो इन तीनों का यही खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद सना मुकबुल को जिन्होंने चिट्ठियाँ लिखी थी वो थी चंद्रिका, फिर थी शिवानी और फिर थे विशाल। तो इन तीनों ने सना मुकबुल को चिट्ठियाँ लिखी थी। उसके बाद चंद्रिका की बारी आई और चंद्रिका को भी दीपक जी ने, शिवानी ने और सना मुकबुल ने चिट्ठियाँ लिखी थी। इनको भी तीन चिट्ठियाँ आई थी। फिर कृतिका को अरमान ने, वो तो
हमको पता है। और फिर चंद्रिका ने भी कृतिका को चिट्ठी लिखी थी, फिर उसके बाद सना सुल्तान को चिट्ठियाँ लिखी थी, जिसने नेजी ने लिखी थी, साई ने लिखी थी, नेजी ने लिखी थी, सना मुकबूल ने लिखी थी और साई ने लिखी थी। फिर उसके बाद साई का नंबर आता है तो साई को रणवीर जी ने चिट्ठी लिखी थी, नेजी ने लिखी थी और सना सुल्तान ने लिखी थी। उसके बाद सना सुल्तान की बारी आती है तो उसको नेजी, कृतिका और साई ने चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद रणवीर की बारी आती है तो रणवीर को कृतिका ने चिट्ठी लिखी थी और अरमान, साई और दीपक जी ने, मतलब सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ रणवीर को लिखी थी, 4 चिट्ठियाँ लिखी थी। उसके बाद दीपक जी को चिट्ठी बस रणवीर ने लिखी थी। उसके बाद इन सब में से अरमान तो पहले से नॉमिनेट है पूरे सीजन के लिए, फिर अरमान के बाद दीपक जी नॉमिनेट होते हैं, फिर लव, विशाला और शिवानी, ये 5 लोग नॉमिनेशन में आ चुके हैं। इनमें से कोई आपका फेवरेट हो तो इनको वोट करना मत भूले। उसके बाद जब नॉमिनेशन का टास्क खत्म हो जाता है और शिवानी नॉमिनेट होती है, जब भी नॉमिनेट होती है कुछ ना कुछ ड्रामा करती है, रोती है, इतनी सारी बातें निकालती है, फिर वो गांव का कार्ड खेलती है। और फिर उसने आज भी सेम वही किया, बस इतनी सी बात थी कि चंद्रिका ने उसको चिट्ठियां नहीं लिखी। और क्यों लिखती, 5-10 मिनट पहले उसका और उसका झगड़ा हुआ था कि उसने बोला था तुम कौन होती मुझे बताने वाली, ये सारी बातें हुई थी। उसने बोला तुम विशाल के साथ बैठती हो, ये सारी बातें उसने की थी। तो उनका सुबह से कुछ तो जम नहीं रहा था, तो उसके बाद के ऊपर वो इतना रोने लगी, इतनी सारी बातें बोलने लगी, कैमरा को देख के बोलने लगी, सब लोग उसको चुप बैठने के लिए बोल रहे हैं। रणवीर आके उसके सामने खड़ा हो जाता है तो उसको हटाती है कि कैमरा के सामने से हट। रणवीर बोलता कि अटेंशन सीकर है, उसको बस कैमरा के लिए बातें करनी है, सारी बातें बोलता है। और वो इतना रोने लगते है, पता नहीं कि क्या ही हो गया। फिर उसको वॉमिटिंग होने लगती है, फिर वॉशरूम में जाते हैं, सब लोग उसको देखने चले जाते। फिर उसको चक्कर आने लगता है फिर से, मतलब अभी चक्कर आना उसका ड्रामा है, फेक है, रियल है, क्या पता, हमें तो पता नहीं, लेकिन जब हम वो देखते हैं ना तो हमें लगता है कि वो ड्रामा है। अगर आपको इतनी, और ये सही भी है, अगर आपको सच में इतना चक्कर आते हैं तो क्यों आप इतना जोर से बात करते हैं, क्यों इतना परेशान होते हैं, अगर आपको इतने अपने हेल्थ की चिंता है। अगर आपको पता है बिग बॉस के घर में कैसा माहौल होता है तो क्यों आना आपको उस बिग बॉस के घर में, अगर आपको इतनी हेल्थ इश्यूज है। मतलब हर बात के लिए उसको चक्कर आता है, हर बात के लिए, जब नॉमिनेशन में जाती है तभी उसको चक्कर आता है। और फिर वो चली गई मेडिकल रूम में और 2 मिनट के अंदर बाहर भी आ गई। साई ने यहाँ पे उसको डिकोड, मतलब चक्कर आ गए और 2 मिनट के अंदर बाहर आ गई, ऐसी कौन सी पिल्स डॉक्टर ने तुम्हें दी कि 2 मिनट के अंदर तुम ठीक भी हो गई और 1 घंटे के बाद तुम इतनी जोर से रणवीर के साथ झगड़ा कर रही हो। मतलब उसको वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहा है, कुछ भी पिशु कुछ तो हो रहा है उसको। इसके दरमियान 1 घंटे बाद तुम्हें इतनी एनर्जी आती है झगड़ा करने के लिए, इतनी जोर जोर से बात कर रही हो उसको, कह रहे उस रणवीर के साथ इतना बड़ा झगड़ा कर कि मैं ऐसे ही रात भर बोलती रहूंगी, जब तक लाइट बंद नहीं होती तब तक मैं बोलती, मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। अगर तुम बीमार हो सच में, तुम्हें चक्कर आके तुम गिर पड़ी, तो इतना बोलने की एनर्जी आती कहाँ से है तुम्हें, पता नहीं। अभी उसको सच में चक्कर आई है, ड्रामा किया, अभी उसको ही पता, और उसके जो उसको जानते हैं उनको ही पता कि क्या करे, उसको ड्रामा है या रियल पता नहीं। फिर उसके बाद हमने नेजी का भी देखा, नेजी को भी बुरा लगा कि साई ने उसको बचाया नहीं, और नेजी फिर से सना मुकबूल के झांसे में फंसेगा, ये बात लग रही है, क्योंकि अभी तो उसने उसको बचाया नहीं लेकिन सना सुल्तान ने तो बचा, सना सुल्तान और सना मुकबूल दोनों सना ने उसको बचा लिया। और अभी वो साई से थोड़ा नाराज है क्योंकि उसने उसको चिट्ठी नहीं लिखी, इसीलिए अभी सना मुकबूल इस बात का पूरा फायदा उठा लेगी कि अभी उसने तो उसको चिट्ठी लिखी लेकिन उसने नहीं लिखी। तो वो बोल सना भी आज सना मुकबूल जो लड़की वीकेंड के बाद पे अनिल सर ने उसको इतना बोला और क्राउन देके इतना सरकैज़म में उसको इतना इंसल्ट किया, लेकिन उसको कुछ उस बात का फर्क नहीं पड़ा, वो स्माइल कर रही थी, इतना
मतलब उसको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। और नेक्स्ट दिन उसको चिट्ठी नहीं लिखी, इस बात से उसको रोना आ रहा था। वो विशाल के पास जाके मतलब शिवानी के पास जाके रो रही थी उस बात के लिए। तो ये देखो उसकी मतलब अभी वो उसके जाल में अभी नेक्स्ट जी फिर से फंसेगा कि अभी मैंने उसको वोट नहीं किया और इसने मुझे किया, ये सारी बातें वो जानबूझ के उसको बता बता के उसको गिल्टी फील करवा रही है। फिर हमने रात को भी देखा कि नेजी सना से बोलता है कि बम्मा इधर आओ, मुझे बात करने 2 मिनट तुमसे। तो उन दोनों को बातें वही होती है कि तुम दोनों सना मकबूल, सना सुल्तान, ये दोनों उसकी प्रायोरिटी है। साई बीच में से आ गया, लेकिन उसको पता नहीं साई उसका दोस्त है। वो उसको अच्छे से बात समझा रहता है, लेकिन सना उसका अभी फिर से काटेगी। फिर उसके बाद हम देखते चंद्रिका शिवानी को खाना खिलाती है, उनका भी थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है। उसके बाद फिर से रणवीर और शिवानी की बहस होती है कि और क्या क्या वो एक दूसरे को बोलते, घटिया औरत, घटिया मर्द, ये सारी बातें करते रहते। फिर उसके बाद जब साई वॉशरूम से आ रहा था, तब कटारिया, विशाल, शिवानी सब लोग बाहर बैठे थे। और कटारिया उसको बुलाते कि भाई हमारे साथ भी आके बैठ। तो बोलता है कि हमारा और तुम्हारा तुम पहले की बात को लेके बैठे हो क्या? साई बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा पर्सनल कुछ नहीं, लेकिन कल के बाद जो हुआ उसके ऊपर ही थोड़ा सा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारा सब सॉर्ट हो गया क्या, ऐसा कुछ हुआ तो? फिर देखते हैं कि इनके बीच में अभी दोस्ती होती है या नहीं। लेकिन अभी एज अ घर वाला जो कटारिया था ना, वो इविक्ट हो चुका है, सीधे इलेमेंट हो चुका है। लेकिन उसको एक मौका दिया जाता है बचाने के लिए। तो उसको बचाने के सिर्फ उसके 3 दोस्त आते हैं, एक शिवानी, सना मुगुल और विशाल। विशाल के लिए हालांकि वो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन विशाल उसके लिए खड़ा हो चुका है और वो उसके लिए एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो अभी कटारिया तो कुछ करता है नहीं, ना उसको अपने दोस्त का साथ देता है, ना कुछ करता है। तो देखते हैं कि अभी एज अ घर वाला वो नया घर वाला कौन आता है और क्या क्या नए नए कारनामे करता है, और जो नॉमिनेशन सदस्य है उनमें से कौन बाहर जाता है, वो भी देखना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलो हम देखते हैं कि इन 5 लोगों में से नॉमिनेट कौन होता है। आपका फेवरेट सदस्य कौन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।